अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अब आज से मैंने और डॉक्टर भार्गव ने ये स्टार्ट किया है न्यू पॉडकास्ट का सिलसिला। तो हम इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स जो है वो आपस में डिस्कस करेंगे, और हमारी डिस्कशन क्या होगी वो मैं आपके सामने वीडियो की सूरत में रखूँगा। तो इसके बारे में आपकी जो जो राय होगी वो आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो विदाउट फर्दर डिले हम जो है अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो डॉक्टर मर्डो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, कल ये मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, ये जो हमारी जो होली बुक है ना कुरान, उसको स्वीडन में एक बंदा उसको फायर जो उसने लगाई, और इसके अलावा वो उसको टिकआउट कर रखा। तो इससे बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड में स्पेशली। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसके अलावा सीरिया, अरब वगैरह, और इवन स्वीडन में जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है ना वो भी बहुत ज़्यादा इसको इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, एंड वी आर प्लानिंग टू डू मेनी मोर वीडियोस ऑन मेनी थिंग्स। Let's hope we do well. Yeah, चलते रहिए। ये हमारी नंबर वन फर्स्ट जो है ना, इसके लिए फर्स्ट वन। सो ये टॉपिक पे मेरे को ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन शुड नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। कोई कोई बंदा दूसरे रिलीजन का होली बुक से रिलीजन का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि देर आर इट इज़ जस्ट हिज ओपिनियन। आपको जो ओपिनियन है तो देन ही कम एंड डिस्कस विद द पीपल। हाँ, लाइक मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी अच्छा लगा, लगे तो भी नहीं लगे तो भी, इससे दूसरे को कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। रिलीजन है और रिलीजन के साथ हमेशा उसकी जो फीलिंग्स और इमोशंस है ना वो अटैच होते हैं। तो अगर आप किसी भी कभी रिलीजन को आप उसके सामने कुछ कहेंगे तो वो उसकी जो फीलिंग हर्ट्स इमोशंस या वो आप उसको इवन सिंगल पर्सन नहीं, जो जो उसके साथ अटैच है रिलीजन के साथ, वो सब उसको जो वो अच्छा नहीं समझते। हम बोलते कि सब लोग बोलते कि हम फ्रीडम, मेरे को ये राइट है लाइक कुछ एक्सप्रेस करने का, राइट ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ, ये चीज को लेके कुछ भी करे तो दे शुड नॉट, दे आर नॉट अलाउड टू डू व्हाट एवर दे वांट। यस, राइट ऑफ एक्सप्रेशन का ये मास्क पहन के मैं जो चाहे वो करता हूँ, लाइक दे कैन नॉट, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच से पहले ही हमको कुछ है ड्यूटी से। हाँ, हमारा ड्यूटी क्या है? पहला हम दूसरों को कुछ भी वी शुड नॉट हर्ट, वो बाउंड्री पार नहीं करने, यू शुड नॉट क्रॉस दैट बाउंड्री, एंड देन यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। यस, जो मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया बोल के जो चाहे वो मन पे। हाँ, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए वो पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, यस, फिर उसके बाद वो उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे जहाँ पे जो बाउंड्री के आउटसाइड रिलीजन आ जाता है, कल्चर आ जाता है, रेसिज्म, ये सारी चीजें बाउंड्री के क्रॉस करेंगे तो बाउंड्री पर, उस बाउंड्री के अंदर रह रहा है कि आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके बारे में आप बोलें। लेकिन अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको कहते हैं कि हम इस्लाम के अगेंस्ट बोलेंगे तो दैट्स रॉन्ग। और वो अगर किसी एक मुस्लिम को देख के वो ये कहते हैं कि अच्छा ये सारे का सारा इस्लाम, ये सारे का सारा रिलीजन है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हाट डू यू थिंक? या ऑफ कोर्स, बिकॉज एनीथिंग नॉट जस्ट इस्लाम, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल के किसी भी और रिलीजन को हम कुछ भी नहीं बोल सकते, वो अपना पर्सनल ओपिनियन है, दैट्स व्हाट कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उसको ये लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है दूसरे रिलीजन में, ही इज एक्सप्रेसिंग इट। वो एक्सप्रेशन में भी कई तरीका है, लाइक आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग गुड, बस उतना ही। बियॉन्ड दैट ही वेंट देयर एंड taking the holy book of the other religion and getting it on fire is kind of ना कि वो religion को ही change करना चाह रहा है, और that will not be happen or people will not allow yes. him to do. Yeah, I think so, because उन्हें पता नहीं ना उसका क्या मन में क्या चल रहा है, either he want to change the
अदर रिलीजन में जो जो है उसको चेंज करना चाह रहे हो, या ही डोंट इवन वांट द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी सराउंड हिम, उसका मन में, हमको तो वी कैन नॉट जज अबाउट दैट, बट वॉट एवर इट इज द थिंग व्हाट ही हैव डन इज नॉट ए गुड थिंग, शी शुड बी कंडेम्ड डेफिनेटली. हाँ ना, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए. और मेरे ख्याल से वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके वो अगर वायलेंस क्रिएट कर रहा है, तो हर कंट्री को ये एक लॉ डिफाइन करना चाहिए कि आप किसी भी रिलीजन को अगर पर्सनल रीजन की बेस पे है तब भी, या आप ओवरऑल जो ग्रुप की सूरत में है तब भी, अगर आपको कोई लॉ या कोई भी रिलीजन के अंदर रूल जो है अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको इस तरह से कंडेम ना करें कि आप खुद वायलेंस क्रिएट कर रहे हो, या आप किसी और अपनी लाइफ को वल्नरेबल कर रहे हो, या किसी और की लाइफ को वल्नरेबल कर रहे हो, ये बेटर नहीं है. मेरे हिसाब से स्वीडन में ऑलरेडी दे हैव लॉस रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि he is actually creating a disturbance, law and order ka disturbance kar raha hai. So I think they already have the law which where you can control the person when he is disturbing the law and order. Yes. Lekin mere hisab se, it's my opinion, why they did not stop him, because if they stop him, maybe जो मेजर मेजोरिटी लोगों को लगे लाइक इट माइट सेंड सम सेंड सम रॉन्ग मैसेज दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू होल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो रॉन्ग मैसेज गए तो दैट विल क्लियरली डिस्टर्ब होल कंट्री, नॉट जस्ट सम सर्टेन एरियाज एंड ऐसा. तो मे बी दे आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट द सिचुएशन. मे बी वो उसको ये है कि वो जो सिंगल पर्सन है जो इस तरह कर रहा है उसको प्रोटेस्टर से सेव कर रहा है, और प्रोटेस्टर को उस तक नहीं पहुंचने दे रहा, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि अगर इसको हमने रोका तो ये कहेगा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच आप नहीं दे रहे, कि हम कुछ भी अगर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप हमें स्टॉप कर रहे हैं, और उनको वो इसलिए रोक रहे हैं कि वो क्योंकि वहां पे अलाउ नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को फिजिकली टच कर सकें, कोई भी आप लॉ अपने हाथ में ले सकते हैं. तो इसीलिए जो है वो अभी तक कर रहा है, और जो उसका मन में आ रहा है वो करता जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो हो रहा है वहाँ पे उन्हें द पर्सन हु डिड दोस थिंग्स उन्हें कुछ नहीं, फिजिकली किसी और को कुछ नहीं किया. हाँ, लेकिन वो बहुत सारे जो पीपल हैं मुस्लिम हैं उनके इमोशंस के साथ वो ऑफ कोर्स आई थिंक वो उस पे जो कुछ चेंज आना चाहिए, लाइक देयर शुड बी सम लॉ वेयर आई थिंक देयर इज ऑलरेडी लॉ दैट यू शुड नॉट क्या बोलते हैं इसको, यू शुड नॉट डैमेज द अदर रिलीजियस फीलिंग्स, मे बी आई एम नॉट श्योर स्वीडन में जो लॉस है मेरे को पता नहीं. एक्चुअली अगर फॉर एग्जांपल इसके अगेंस्ट अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो वो उसको उसके अगेंस्ट वो क्या कहें, तो कोर्ट उसको बुलाए और उसको कोई भी पेनल्टी जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करें, वो क्या एविडेंस कुछ तो कोर्ट में जाके कहेंगे ना, वो अगर ये कह देंगे कि ये इसने हमारी बुक जला दी है तो वो जज कहेगा कि फिर क्या हुआ. अगर हमारी तो फीलिंग्स हर्ट हो रही है ना, तो हम फीलिंग्स तो जज को कैसे दिखाएंगे कि ये लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लॉ है उसके स्वीडन में, अगर लॉ है यू शुड नॉट बर्न द रिलीजियस बुक्स ऑफ अदर रिलीजन, फिर तो वो कर सकते हैं, देन डेफिनेटली ही विल गेट गुड वेरी गुड पनिशमेंट. यस, बट अगर लॉ में नहीं है देन आई एम नॉट श्योर ही कैन गेट एनी पनिशमेंट. हां, क्योंकि उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से बाहर ही क्रॉस दैट लाइन एंड जो उन्हें किया वो किया है. अगर लॉ है if to then definitely get punishment. If there is no law regarding these other religious like kind of secular laws, then I'm not sure he will get any punishment. हमारे तो रिलीजन में ना इस्लाम में ये है कि आप किसी भी रिलीजन को either he is Christian or Hindu or whatever religion, even Jews, आप किसी के रिलीजन की होली जो चीजें हैं उनको आप किसी तरह से भी बुरा भला नहीं कहोगे.
ना आपने उनको बैड बैड वर्ड्स यूज करने उनके गॉड्स के लिए या उनकी होली कुरान होली बुक्स के लिए। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि इवन मुस्लिम बीइंग वायलेटेड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल जो मुस्लिम हैं वो ये नहीं करते, पहले करते होंगे लेकिन वो भी बिकॉज ऑफ अनएजुकेशन, क्योंकि उनको इतना इलम नहीं होता या उनके पास लिमिटेड नॉलेज होता है जिससे वो कहते हैं कि हमें ये अलाउ है। अगर आप उसकी टीचिंग्स को देखेंगे ना तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप किसी के रिलीजन को आप कुछ भी नहीं कह सकते, वी आर नॉट अलाउड। सो अगर वो उसका कोई भी रिलीजन नहीं है या अगर वो क्रिश्चियन है वो ज्यूज है तो हम फिर भी उसके जो गॉड है उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये तो हमारी टीचिंग्स हमें कहती हैं, लेकिन जो वो कर रहा है हमारी बुक्स के साथ उसको नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट इस्लाम, इट्स एनी रिलीजन, एनी रिलीजन, इट्स नॉट जस्ट इस्लाम, बिकॉज़ वो तो हम धर्म मानते ना। हाँ, और धर्म को दूसरे बंदे ने आके धर्म ही नहीं है बोल के जला दिया ना, इट्स वो हमारा बचपन से वो है वो पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम गई थी और वहाँ पे फायरिंग वो सारा उसने लाइव चलाया सोशल मीडिया पे, देखा था लॉन्ग टाइम बैक वो। हाँ, उसने गन लोड की, गाड़ी में रखी, गाने सुनता हुआ जा रहा है और वो बता रहा है कि मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ। फिर उसने वो मस्जिद में जाके सारी फायरिंग की। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़ी हुई न्यूजीलैंड में, उन्होंने कहा कि ये हमारे ये हमारे पीपल हैं, हम इनको सेव करेंगे और आप कंटिन्यू करें। अभी भी वहाँ पे वो सब एक्टिविटीज चल रही हैं और जो है वो हैप्पी। लेकिन उसके अगेंस्ट भी आप देखें तो किसी मुस्लिम ने किसी चर्च में जाके ऐसा नहीं किया या किसी मंदिर में जाके ऐसा नहीं किया। हम तो ए लाइक वी कैन नॉट से दैट, क्योंकि हम तो रिपोर्ट्स हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि दूसरे कंट्रीज में मुस्लिम बोल के भी वो लोग कर रहे हैं, लाइक दे आर सेइंग दे आर बीइंग मुस्लिम्स एंड दे आर स्टिल डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक्टिविटीज। तो मेरे हिसाब से वो लोग सही रिलीजन फॉलो नहीं करते, लाइक दे आर नॉट ट्रू either Muslim true, Muslim true, Christian whoever, they are not, क्योंकि हमारा जो होली बुक से किसी होली बुक ने नहीं कहा, नहीं कहते कि you go and burn that, you go and do these bad things to other religion. जो लोग वो करते हैं ना वो true follower, they are not true followers of any of the religion which they are saying they belong to. हाँ, वो बिल्कुल। I think 100% follower नहीं। Follower नहीं होता है। It's just they are trying to show their upper hand and their personal opinion and their personal feeling on the other religion. I don't think they are true Muslim, true Christian, true Hindu. वो लोग तो नहीं है, वो हम बोल सकते हैं वो लोगों को extremists बोल सकते हैं, ऐसा जो काम कर रहे हैं, जो दूसरों को hurt कर रहे हैं, वो सब लोग extremists हैं, वो किसी religion से हम जुड़ नहीं सकते। इसी तरह जो टेररिज्म है ना वो 9/11 के बाद उसको अटैच किया था मुस्लिम के साथ कि मुस्लिम आर टेररिस्ट। तो इवन टेररिस्ट से जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है वो मुस्लिम पीपल को पहुँचा। हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा वो सुसाइड बॉम्ब्स, उसके बाद आप अफगानिस्तान में देखो, सीरिया में देखो, तो जो ज़्यादा अफेक्ट हैं वो तो मुस्लिम हैं। अब हम उनको कह दें कि वो टेररिस्ट मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम को ही मार रहे हैं, तो फिर वो तो गलत है ना। तो वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट है, दे आर नॉट, दे डोंट हैव एनी रिलीजन और वो कुछ भी नहीं, उनको पता ही नहीं है कुछ, ये रिलीजन से कुछ नहीं करने का है, देने का मतलब वो दे आर फेड इनटू दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। हां, पूरा प्रॉब्लम आता है कि अगेन फ्रॉम पॉलिटिशियंस। हां, अगर पॉलिटिशियंस को कुछ कुछ चाहिए दे कैन नॉट डू इट डायरेक्टली लाइक दैट। अच्छा, अब पाकिस्तान में तो ये रूल और लॉ है, एस्टेब्लिश्ड है कि अगर वो मुस्लिम रिलीजन के साथ कोई भी इस तरह करेगा ना तो उसको जो है वो कुछ पनिशमेंट या पेनल्टी जो है ना उसको करनी पड़ेगी। और अगर वो एविडेंस वो मिल जाता है उसके खिलाफ तो वो जो है वो उस पर एप्लीकेबल होगा।
तो इसीलिए वहाँ पे अगर कोई भी इस तरह करता है ना, अगर इधर सब मुस्लिम और कोई ऐसा मुस्लिम है जो वो कहेगा कि अच्छा इसने ऐसे कर दिया, वो खुद लॉ को हाथ में लेगा, वो भी वायलेंस क्रिएट कर रहा है। क्योंकि कोई भी जो हमारे जो रिलीजन है ना, उसमें जो बड़ी बड़ी हमारी जो डिफरेंट मसलक हैं, आपको पता होगा शिया सुन्नी या, वो सब ये कहते हैं कि अगर कोई भी इस तरह वायलेंस करता है रिलीजन के खिलाफ, तो उसको आप लॉ के अंडर ले जाके जो एप्लीकेबल होगी ना पनिशमेंट, उसको आप वो लॉ के थ्रू और कोर्ट के थ्रू दोगे, आप खुद अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन लॉ इस्टेब्लिश है। तो इंडिया में इस तरह का है कोई लॉ? लॉ तो है सब ऐसा। आप बोल रहे कि ये फॉर एग्जांपल दिस रिलीजियस थिंग्स, इफ यू टेक अपने हाथों में लॉ लेके। नहीं, अगर कोई किसी रिलीजन को इस तरह यूं हर्ट करता है रिलीजन के थ्रू, ओ मुस्लिम या यस, कोई भी किसी भी किसी रिलीजन को रिलीजन का भी वो करेगा, तो डेफिनेटली, वो तो उसको पहला पहला हमको हमने बोला था ना, ड्यूटीज ड्यूटी हाँ से, उसमें हमारा फर्स्ट ड्यूटी, वन ऑफ द ड्यूटीज इज दैट यू शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर रिलीजन। ओके अगर नॉट जस्ट हर्ट, अगर उन्हें फिजिकली और मेंटली मेंटली भी अगर किया तो ही कैन बी इजीली प्रोसिक्यूटेड इन द कोर्ट, इजीली, वेरी इजीली। अच्छा, अगर प्रूफ है तो इट्स क्लोज्ड केस है, इट्स इजीली पनिशेबल, और एनी रिलीजन, नॉट जस्ट हिंदुइज्म, नॉट जस्ट मुस्लिम, अच्छा, एनी रिलीजन, इफ यू अटैक ऑन अदर रिलीजन यू आर इजीली तो पनिश्ड, एविडेंस मिलने पे उस पे वो फिर डेफिनेटली। एप्लीकेबल पहले होगी। भी मिलने से पहले भी उनको तो जेल पे हाँ, जाके जेल में रखते हैं। रखते हाँ, अंटिल देयर आर सम रूल्स रिगार्डिंग द रूल्स। केस बाय केस, हाँ बट या इट्स पनिशेबल। अच्छा, तो ये हम इसको कंडेम करते हैं कि जो है वो उसने हमारी हॉलीवुड को इस तरह किया। रिसेंटली दैट इज व्हाट गोइंग ऑन इन इंडिया, वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स, यूनियंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, ये क्या है कि सब एवरीवन, ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव टू फॉलो सिमिलर काइंड ऑफ लॉ। इट्स नॉट दैट हमारे धर्म को हम फॉलो कर सकते हैं, वी कैन फॉलो अवर ओन रिलीजन, बट देर आर सम प्रॉब्लम्स इन ईच रिलीजन, उसको हम थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करके वी हैव टू स्टैंड ऑन द कॉमन ग्राउंड। ये ऐसे ही होता है ना हर जगह पे। अभी ये हम कोरिया में रह रहे हैं, तो आप क्या आप अपने धर्म के उसको फॉलो करेंगे, या मैं अपने धर्म के कानून को फॉलो करूंगा, या जो कोरिया ने लॉ अप्लाई किए हुए हैं मैं उसको फॉलो करूंगा? वी आर एक्चुअली फॉरेनर्स, फॉरेनर्स को अलग रूल्स कई है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम सिटीजन्स, लाइक सिटीजन्स ऑफ द सेम कंट्री बट डिफरेंट रिलीजन। हमारा धर्म अलग है, फिर भी हमारा हम जो है सिटीजन्स ऑफ दैट नेशन। लेकिन उस पे वो ही लॉ एप्लीकेबल होंगे जहां पे वो रह रहे हैं। दैट इज करेक्ट। अगर अगर एक इंडियन है यस, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, वो मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, जो भी है, लेकिन उस पे सबसे पहले जो लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं ना, वो उस कंट्री के लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं। अब वो कंट्री में जो भी लॉ है, इवन दे आर इफ दे आर अगेंस्ट इस्लाम, दे आर अगेंस्ट हिंदू, वट एवर, बट द लॉज आर देयर, सो दे हैव टू फॉलो। अगर हमने कोई मामला तय पाया है पाकिस्तान की करेंसी में या कुछ है, वो अब इधर कोरिया में आके अगर हम वो कहते हैं कि ये हमने लिखा हुआ था इस तरह एफिडेविट पे, वो जो उसको क्या कहते हैं, नोटरी, हाँ नोटरी या जो भी है, उस लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ क्या ये चीज़ मैंने इसको दी है, तो फिर मैं ये इससे कभी भी ले सकता हूँ। ओके, तो अब वो यहाँ आके अगर वो डिमांड करे, तो फिर वो कोरियन कोर्ट में जाएंगे, तो कोरियन क्या कहेंगे उसको? वही बोल रहा हूँ मैं, इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। हमारा जो मेरे को जो नॉलेज है वो लिमिटेड है तो मेरा फॉरेन लैंड, अगर कोरिया में जो क्या लॉस है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, जो मेरे को इवन इन इंडिया आई डोंट नो एवरीथिंग, अब जो मेरे को पता है वो बोल रहा हूँ मैं। सो विल नॉट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, मैं विल कम बैक टू यूसीसी एंड विल टॉक अबाउट व्हाट आई नो फर्स्ट, अच्छा, तब हम एग्जांपल्स लेके हम अगर बात करते, नहीं तो वी हैव टू डू मोर रिसर्च ऑन व्हाट ही हाँ सेड। बिल्कुल, तो या लॉस बोल रहे कि इट हैज टू बी कानून जो है सबको एक ही होना चाहिए, वो तो यूसीसी बोल रहे,
अच्छा इधर यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। अब जो अगर इस्लाम की बात कर रहे हैं ना और मैरिज की बात कर रहे हैं, डाइवोर्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले उन्होंने फॉलो करना है इस्लाम की जो कंडीशन है ना उनको फॉलो करेंगे कि डाइवोर्स के बाद आपने वो, अच्छा मुस्लिम जो लॉज या रूल्स हैं वो उसको क्यों फॉलो करते हैं, उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि उन्हें पता है कि हम जो हैं वी आर बीइंग क्वेश्चन्ड आफ्टर डेथ, ओके, हम मरने के बाद हमसे इसके बारे में सवाल होगा, तो हम उसको रूल को फॉलो करने की ट्राई करते हैं। अब जो जो पर्सन है जो फॉलो नहीं करता या जो कहता है कि जो मरने के बाद होगा वो उस वक्त देखा जाएगा, तो वो तो फिर बहुत से इस तरह ऐसे काम करते हैं जो हमें नॉट अलाउड है। फॉर एग्जांपल वो किसी की ज़मीन कब्जा कर ली उसने, अब उसको पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो करेगा, वो क्यों करेगा? क्योंकि एट दैट टाइम उसके जहन में नहीं है कि वो डेथ के बाद उससे क्वेश्चन होंगे या ये मेरे लिए जो है वो मेरे लिए पकड़ का बायस बनेगा मरने के बाद, लेकिन वो कर रहा है। अब जो लोग, अब जो विरासत का पता है ना आपको, जो फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो जो छोड़ के जाता है वो डिवाइड होता है, पता है ना उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। अब जो हमें पता है ना, हम इस्लाम के रिलेटेड उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर हम उससे रिलेटेड उसको डिवीजन नहीं करेंगे ना तो हमें ये पता है कि आफ्टर डेथ हमें जो है वो उससे क्वेश्चन होगा कि आपने इसको ऐसे क्यों किया। या अगर मैं कोई बंदा है और वो किसी अपनी बहन या भाई का हिस्सा जो है वो ले लेता है तो उसको ये पता है कि वो क्वेश्चन होगा आफ्टर डेथ। तो जो हमारे पाकिस्तान में भी जो रूल बने हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल्स बने हुए हैं। अच्छा अब अगर एक बंदा है वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो वो कंट्री जो है वो उसको रूल को अप्लाई करेगी फोर्सफुली उसके ऊपर। तो इसीलिए जो डाइवोर्स होती है ना जब, तो उस पर सबसे पहले जो इस्लामिक जो रूल है ना वो उस पर अप्लाई होते हैं, तो फिर अगर वो अप्लाई नहीं करेगा तो फिर जो कंट्री के रूल है ना वो उस पर अप्लाई होंगे। अगर वो फॉर एग्जांपल कहीं पे डाइवोर्स होती है और वो आपस में कोर्ट पे जाने से पहले पहले दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, जो मियां बीवी थे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे ना फिर कोर्ट में जाएंगे तो उस कंट्री का जो लॉ है वो उस पे एप्लीकेबल होगा। मैं हम जो बात कर रहे वो लॉ से It comes into the picture only when both of the parties are not satisfied with what happened. Then only these laws actually applicable until now. That's how it should be also. अभी recently वो जो famous film star actress actor वो जो Amber Heard और वो जो Johnny Depp and Amber Heard, हाँ तो अब उन्होंने क्रिश्चियन से रिलेटेड तो नहीं की ना, एक जूस थी वो शायद एम्बर जो है वो जूस है और वो दूसरा क्रिश्चियन है। अब उन्होंने किसको फॉलो किया जो उस कंट्री का रूल था, राइट उसको फॉलो किया, तो उसको एम्बर को पे करने पड़े पता नहीं कितने मिलियन। तो वो लोग द लॉस ऑफ द नेशन, दे फॉलोइंग द लॉस ऑफ द नेशन। एक्चुअली कई देशों में जैसा है कि रिलीजन को अलग लॉस है एंड देयर आर अदर लॉस एज अ नेशन। इवन इन इंडिया हमको क्रिमिनल कोड कुछ है पहला, अगर कई बंदा ने इफ यू डू सम क्राइम फॉर एग्जांपल मर्डर और समथिंग, उसको तो पनिशमेंट मिलेगा विदाउट सीइंग हिज रिलीजन, अकॉर्डिंग टू द लॉ, कंट्री लॉ। हाँ it doesn't matter he belongs to Muslim, Christian, Hindu, nothing, क्योंकि उन्हें क्राइम किया है डायरेक्टली। दूसरा क्या है, दूसरा सेट ऑफ लॉस है कि पर्सनल लॉस है, लाइक वो फॉर एग्जाम्पल हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, ऐसा कई लॉस है डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन। दीज आर एक्चुअली पर्सनल एज द नेम सेज पर्सनल। पर्सनल मीन्स मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ऐसा चीजें आते हैं उसमें। तो मैरिज में वी हैव टू एक्चुअली रजिस्टर द मैरिज, हम
शादी करने के बाद वी हैव टू गो टू द रजिस्ट्रेशन सेंटर एंड वी हैव टू रजिस्टर आवर मैरिज देन ओनली इट विल बी लीगलाइज्ड. हां इफ यू इवन इफ यू मैरी एंड इफ यू डोंट मेक द डॉक्यूमेंट इट इज नॉट एक्चुअली लीगलाइज्ड सो यू आर नॉट सेट टू बी एज अ वाइफ एंड हस्बैंड. यस वो है. एंड डिवोर्स जो है इसको भी कई तरीका है लाइक डिपेंड्स ऑन द रिलीजन. मुस्लिम जो फॉलो करते हैं मेरे हिसाब से शरीयत लॉ शरिया लॉ फॉलो करते हैं मेरे हिसाब से बेस्ड ऑन देयर ओन सेट ऑफ लॉस दे फॉलो दिस प्रोसीडिंग्स. तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोल रही कि देर आर प्रॉब्लम्स इन फ्यू और मैनी ऑफ दीज रिलीजन्स बेसिक ह्यूमन राइट्स को डिस्टर्ब कर रहे. जो इनहेरिटेंस है डिवोर्स के बाद और सडन डेथ ऑफ हस्बैंड वॉट एवर द इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नॉट इक्वली डिवाइडेड बिटवीन वुमन एंड द किड्स. ये इस्लाम की बात कर रहे हो? यस. अच्छा तो हिंदू में क्या है? इट्स 50-50 फॉर द किड्स. No, first we'll talk about wife. Achha. Agar the family don't have any kids, the woman is actually getting 1/3, one third of what they have. Achha. If they have kids, again if there are sons and daughters, sons are getting more percentage of share and daughters are getting less share. And that's what I when I've gone through some documents and those things, I came to know about that. मुझे पता नहीं whether they are actually following. These problems all comes when there is no actual good father. अगर father अच्छा हो के he want to divide equally among the family, इसमें कोई problem या will बोलते ना इसको will रख के हाँ right. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट विल नॉट गो टू एनी कोर्ट बिकॉज द प्रॉब्लम कैन बी इजीली सॉल्व्ड बिफोर द डेथ इफ दे राइट सम डॉक्यूमेंट. हाँ अगर लेकिन इस्लाम में तो इस तरह नहीं है ना. इस्लाम में ये है कि जो इस्लाम ने होली बुक में हमें जो बता दिया है कि आप जो है वो किसी पर्सन की डेथ होगी तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी एक बेटे के साथ या बेटी के साथ या वाइफ के साथ वो अगर इस तरह कर रहा है कि मरने से पहले वो ये कह रहा है कि इसको मेरे इनहेरिटेंस में से कुछ भी ना दो तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा. या वो कह रहा है इस इनहेरिटेंस में से इसको ज़्यादा दो ये मेरा ज़्यादा फर्माबरदार बेटा था या बेटी थी तो वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जिस तरह वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो खुद से मरने से पहले अपनी जो कुछ जायदाद है या जो इनहेरिटेंस है उसको वो सब बेटों में बेटियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और फिर मरेगा तो फिर वो एप्लीकेबल होगा. या अगर वो कभी कभी ऐसे होता है कि वो मेरी जो इनहेरिटेंस है वो सारा का सारा जो है वो मेरे फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट ना करो वो किसी ट्रस्ट को दे दो तो वो भी एप्लीकेबल नहीं होगी आई थिंक. ओके वो उस वक्त होगी जब वो मरने वाला नहीं है. mm-hmm. या अगर वो ये लेके देगा कि इतने परसेंट वो कुछ परसेंटेज है मेरे ख्याल से 40% है या 10% है वो अगर ट्रस्ट में दे दें तो वो उस वक्त एप्लीकेबल हो. mm-hmm. तो ये सर्टेन कंडीशंस हैं ये अप्लाई या अगर उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट लिख के मर गए तो आई थिंक दैट एज फार एज आई नो दैट विल बी एप्लीकेबल. नहीं डॉक्यूमेंट भी ये देखेंगे कि वो एप्लीकेबल है या नहीं है और सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. बट अगर उन्हें कुछ भी लिख के नहीं गया तो एक्चुअली शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द फैमिली. नहीं वो हमारे इस्लाम में नहीं होता. हाँ इस्लाम में वो परसेंटेज है. अच्छा कि लड़का है अगर बेटा तो उसको इतनी परसेंट मिलेगी या टेंथ पार्ट या इस तरह का वो पार्ट है और वाइफ का इतना 1/10 या इस तरह वो भी एक रेशो है सर्टेन मेरे जेन में नहीं है. और माँ बाप हैं अगर जिंदा उनको भी मिलेगा
और बेटा बेटी और बीवी इनके दरमियान वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहन भाइयों में वो कुछ नहीं होता। So I think one of these, I think that is one of the laws they want to bring like common. नहीं तो ये जो हिंदू हैं या कोई और जो रिलीजन है क्रिश्चियन और ज्यूज या जो अगर कोई किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता तो उनकी जो इनहेरिटेंस है उसको वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? No, if there is no religion, there is some they follow then country. Countries that which is half okay. Of it's half off. Yeah, everything is half, like equally distributed. If there are, if we have a mother and father, I think they also get maybe. So it's like that. So okay. They want to. For example, उसकी family में दो लड़के हैं, दो लड़कियां हैं, बेटी हैं, बेटा बेटी, दो बेटे, दो बेटियां और माँ बाप बीवी. तो ये total हो गए सेवन. Yeah. तो वो उसकी टोटल वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7% और ये जो हिंदू रिलीजन है इंडिया में तो उनका ये रिलीजन में भी ये इनहेरिटेंस का इसको बोलते हैं हम कोडिफाइंग ऑफ द लॉस हम कोड कुछ कोड बना रहे लाइक दे हैव टू फॉलो दिस कोड आई थिंक दे इंट्रोड्यूस इन 1956 और 55 तब से वो लाइक दे डिड दिस कोडिफाइड द लॉ बट इन 2005 दे अमेंडेड सम दे ब्रॉट सम चेंजेस इन द लॉ सो फ्रॉम देन इट इज एक्चुअली स्ट्रिक्टली फॉलोइंग यू कैन गो टू द कोर्ट एंड इजीली विन द केस इफ दे आर नॉट फॉलोइंग दिस this share inheritance law अच्छा अच्छा तो यहाँ problem मेरे को दिख रहा है कि women को ज़्यादा problem हो रहा है as far as my opinion it looks like women is getting downgraded because of these not equal Muslim क्या Muslim की वजह से कह रहे हैं कि Muslim नहीं नहीं even in Hindus until 2005 इवन माई फैमिली मैंने तो सुना था स्टार्ट में हिंदुओं में क्या होता था कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है हस्बैंड मरता है तो उसकी चिता के साथ वो उसकी वाइफ को भी जिलाते राइट सती बोलते उसको दैट वाज द प्रॉब्लम आप देख लो कई भी प्रॉब्लम है उसको वुमेन को ही ज्यादा नुकसान पहुंच रहे हाँ लेकिन हमारे जो इस्लाम में क्या हुआ था जब जिस टाइम ये आया था ना 1400 ईयर्स अगो तो उस वक्त वुमेन के साथ बहुत बैडली ट्रीट करते थे और इवन ये करते थे कि जो लड़कियां हैं ना उनको वो अगर पैदा हुई है तो उसको जिंदा वो दफन कर दिए उसको मार दिए तो अगर एक रिलीजन उस वक्त आके वो इतने राइट्स दे रहा है तो That was definitely that's a problem. That's not correct way to do that, right? क्या? वो अगर हाँ उसको हाँ बड़ी अगर बड़ी नहीं उसको नहीं करना चाहिए नहीं उसको life दें उसको फिर आगे से treat करना चाहिए equally और even फिर जब उस वक्त ये भी था कि जो ब्लैकिश पीपल थे ना उनको वो गुलाम बना रहे थे स्लेव्स तो उनको स्लेव को फ्री करने के बारे में बहुत ज़्यादा है फॉर एग्जांपल अगर जो मुस्लिम है ना उनको ये ट्रेनिंग इस तरह से दी गई कि फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है ना तो मैंने कहीं जाके दो स्लेव परचेज करके उनको आज़ाद कर फ्री करना तो ये जो कल्चर है स्लेवरी को फ्री करना ये भी मेरे ख्याल से इस्लाम ने प्रमोट किया है इसको बहुत ज़्यादा और फिर उसके बाद जो पुअर पीपल हैं जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना खिलाने का ये भी इस्लाम ने इसको ब्रीच किया बहुत ज़्यादा कि अगर फॉर एग्जांपल अच्छा अगर हमारे रिलीजन में ना हमने फास्टिंग का पता ही होगा आपको फास्ट अगर एक बंदा वो फास्टिंग नहीं कर सकता फॉर पर्टिकुलर रीज़न फॉर एग्जांपल मेडिकल रीज़न और वट एवर तो उसको क्या करना है कि 60 जो पुअर पीपल हैं ना उनको खाना खिलाना वो मतलब ये इस तरह प्रमोट किया है इसने इस्लाम तो या व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स नॉट रिलीजियस
there are things it should not be religious things. हम जो ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं ना पीपल को, इट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी. जो बेसिक राइट्स है वो दे, वो उससे उससे छीना है वो सती वो फॉलो करते थे कई सालों पहले. It was finished in 18th century, then itself. But still there are some problems. जिस तरह वो बात हुई थी ना inheritance की, और वहाँ से ये बात चली थी. तो अगर for example अगर कोई मुस्लिम फैमिली है उसमें अगर कोई डेथ होती है इस तरह, तो अब अगर वो आपस में डिस्कस करके और वो अकॉर्डिंग टू शरिया इफ दे डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग एज वी आर एजुकेटेड, जिस तरह का हमारी होली बुक में आया कि आपने इस तरह इतना पार्ट इसको देना है, इतना पार्ट इसको देना है, अगर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो फिर उनको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. सेम आई थिंक सेम द फॉलोइंग, आई एम नॉट श्योर इन इस्लाम इट इज देयर, बट हिंदू पर्सनल लॉस में तो ऑलरेडी दे कोडिफाइड इट इज देयर. अगर उन्हें शादी किया है, दूसरा शादी किया है आफ्टर डिवोर्स, देन इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. एंड वन मोर प्रॉब्लम, बाइगोमी, मल्टीगोमी, पॉलीगोमी बोलते हैं इसको, लाइक मल्टीपल शादी. तो इंडिया में इट्स नॉट अलाउड, यू कैन नॉट मैरी मोर देन वंस. अच्छा, वो डिस्कस कर रहे थे हम. ये अब मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं बहुत ज़्यादा, वो इसको कहते हैं कि जो हमारी होली बुक है उसमें ये है कि यू आर अलाउड टू हैव फूड, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट नहीं वो बताते ना कि आगे का क्या कॉन्टेक्स्ट है. अगर वो हमारा गॉड कह रहा है कि यू आर अलाउड टू हैव फूड, देयर इज सम कॉन्टेक्स्ट बिफोर एंड आफ्टर. ये इस तरह बात नहीं है कि बात कुछ और हो रहा है फिर वो गॉड कह रहा है कि आप चार रख लो फिर उसके बाद कुछ और बात करने लग गए. नहीं, गॉड ने आपको बताया अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और आप चारों में आप इंसाफ जस्टिस वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं चारों के अंदर, तो आप चार रखो. अगर आप इवन यू आर नॉट एबल टू क्रिएट जस्टिस बिटवीन द टू, अगर वो जो है ना टीचिंग वो ये है कि दो के दरमियान भी अगर आप नहीं कर सकते एक रखो आप, तो ये वाली बात कोई भी नहीं करता. कोई भी स्कॉलर जो है ना वो इस तरह नहीं कहेगा कि भाई आगे भी पढ़ो, अगला पार्ट में क्या बता रहा है. तो अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल दो हैं किसी बंदे के पास, चार तो जो दूर की बात है ना, दो हैं जस्टिस नहीं कर रहे, तो फिर गॉड उनके साथ क्या करेगा जो जस्टिस नहीं कर रहे? तो वो तो उनको पता ही नहीं है, वो आगे वो पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि जस्टिस ना किया तो आगे पिटाई होगी बहुत ज़्यादा. तो उसको कैसे सॉल्व करेगा अगर वो लड़की को लगे कि आई एम नॉट गेटिंग जस्टिफाइड, उन्हें कोर्ट जा सकते हो? कैन शी गो? नहीं, वो पहले से वो इजाज़त लेंगे ना. या फॉर एग्जांपल वो अगर करना चाह रहे हैं तो ऐसे नहीं होगा कि उसको बताए बगैर आप इधर दूसरी रख लो. पहली वाली से परमिशन लेंगे, उसको बताएंगे, उसको एग्री करेंगे इस बात पे कि अब मुझे जो है वो दूसरी बीवी चाहिए या मैं करना चाहता हूँ या इस तरह वट एवर, उसको किसी तरीके से कन्विंस करो, फिर वो अलाउ करे, फिर आप दूसरी रखो और आपने उन दोनों के दरमियान जस्टिस अगर करना है तो करो, अदरवाइज जो है वो फर्स्ट मोस्टली पाकिस्तान में ये होता है कि वो जो फर्स्ट है ना वो नहीं एग्री करती, वो हाँ वो कहती है कि ठीक है दूसरी रख लो मुझे छोड़, वो डाइवोर्स का वो डिमांड करती है. तो इंडिया में जो लॉ है, तो पाकिस्तान में मोस्टली जो पीपल है ना वो अब इस बात पे आ गए हैं कि वो एक कर रहे हैं. स्टिल देर आर मैनी पीपल कि वो जो है वो एक दो एक से ज़्यादा भी हैं, और वो फार एरियाज में, रूरल एरियाज में, या जहाँ पे बलोचिस्तान वगैरह में या केपी के रीजन में ना, उधर हैं एक से ज़्यादा शादियाँ, दो तीन और इस तरह. इवन कुछ पार्ट ऑफ पंजाब और सिंध इधर भी हैं,
लेकिन वो कम होता जा रहा है। तो यार हिंदुइज्म में वो हिंदू कोड में है कि यू कैन नॉट हैव टू वाइव्स एट द सेम टाइम, यू हैव टू हैव द डिवोर्स फर्स्ट whether she agrees or not. You cannot have two people at the same time even without marriage. अगर इसको शादी है और दूसरा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं तभी वो क्राइम है. तो इफ यू हैविंग अनदर रिलेशनशिप इवन देन यू हैव टू हैव डिवोर्स फर्स्ट फर्स्ट. ओके सो दैट्स हाउ इट इज. अब इसके बारे में भी चर्चा हो रही है, लाइक बोल रहे हैं बहुत ज्यादा न्यूज में वो आ रहे हैं ना, वो कुछ इस्लामिक स्कॉलर बुला के फिर उसके बाद वहाँ पे लेडीज भी होती हैं वो फिर उसके ड्यूरिंग द प्रोग्राम लाइक दे हैव फाइट और इस तल्ख कलामी होती है वो सख्त वर्ड्स यूज शुरू करते हैं. तो ये बड़ा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है. That should not happen because if हम जो बात कर रहे हैं ना 95% of the problems are facing by women. तो जो मैं बोल रहा हूँ रिलीजन के बाहर आके बोल रहा हूँ, आई क्लियरली सपोर्ट दिस इक्वल थिंग्स. मैन एंड वुमेन हैव टू हैव इक्वल राइट्स. जब ये फंडामेंटल राइट को हम ब्रेक कर रहे हैं ना तब कोर्ट्स इन्वॉल्व होना जरूरी है मेरी हिसाब से. दैट्स माय ओपिनियन. सो दैट्स व्हाट होल ऑफ दिस डिस्कशन एंड होल ऑफ दिस यूसीसी इज अबाउट. व्हेन देयर इज breaking of the basic human rights, like there is no equal discrimination hai women ko, men ko, children ko bhi, then it should all should have same some common grounds. Okay, that is what it is. And still we are not sure how they process in the parliament. Actually next August mein parliament mein bill pe discuss karte hain, tab humko zyada details mil jayega like what's happening and what will happen and what are the laws they are discussing about. Phir bhi I think it will not be passed. Hum UCC pass karne ke liye like we don't want UCC to get passed. What we want is to have this basic equality hona zaruri hai. Equality jab hai kai religions mein then there is no problem anywhere. And actually there is a state in India, Goa mein UCC is already applicable. Okay. Only one state is following UCC, but still there are problems in that state itself. So I think we have to end here. Yes. तो बहुत ज़्यादा topics हमने discuss किए हैं. तो शुरू वहाँ से हुई थी जहाँ से वो उसने ना होली बुक के साथ वो कर रहा था. तो we condemn that should not happen and I think government of Sweden also have to take action on स्टॉपिंग दैट, क्योंकि बहुत से फिर मुस्लिम कंट्री हैं फिर उनके जो लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह या प्रेसिडेंट वगैरह या सोशल मीडिया पे फिर ये ना फायर इट कैचेस फायर. सो दैट्स नॉट इट क्रिएट्स अ टोटल डिस्टरबेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. यस ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो आई थिंक आपको ये पसंद आएगी और अगर आपका कोई ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.